रुक करेंगे बड़ी खबर का। बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 मार्च को हिमाचल का बजट पेश किया था। वहीं बजट सत्र के पांचवें दिन यानी आज से 23 मार्च तक बजट पर चर्चा की जाएगी। पूर्व की सरकार की चलाई योजनाओं को बजट में शामिल न किए जाने पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो वहीं सदन में विधायकों द्वारा आज ज्यादातर कृषि और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया था। 53,413 का जो बजट है हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेश किया था, जिस पर विपक्ष आज चर्चा करेगा। आज सदन में बजट को लेकर चर्चा होगी और विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक या नकारात्मक भूमि निभाता नजर आ सकता है। बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फाइनेंशियल ईयर के लिए 53,413 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। वहीं बजट को लेकर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल के बजट पर कई सवाल उठाए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई नई पहल नहीं की गई है। आज हिमाचल बजट को लेकर चर्चा की जा रही है, जो कि दोपहर करीब 2 बजे शुरू होगी, जिस पर 2 दिन के अवकाश के बाद आज दोपहर 12 बजे विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होने जा रही है। बता दें, सदन में विधायकों द्वारा आज ज्यादातर कृषि और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र आज 5वां दिन है, जिस पर बजट पर आज चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रेशमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेशमा, जानना चाहेंगे कि आज बजट पर चर्चा होगी तो क्या विपक्ष सकारात्मक भूमि निभा सकता है इस दौरान? जी रितेश, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से 5वां दिन है आज बजट सत्र का और 17 तारीख को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बजट पेश कर चुके हैं, आज की जो कार्यवाही है सदन की वो ठीक 2 बजे शुरू होगी और प्रश्नकाल के साथ इसकी शुरुआत होगी। प्रश्न रखे जाएंगे, कुछ जो अधिनियम है उन्हें विधानसभा पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद जाके बजट पर जो चर्चा है वो शुरू होगी। लगातार जो विपक्ष का रवैया है जब से सत्र शुरू हुआ है, काफी हम कह सकते हैं कि आक्रामक नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर वो बार बार सदन में वहां पर हंगामा कर रहे हैं। चाहे बात उनके समय में, पिछली सरकार के समय में जो संस्थान बंद किए गए थे उस विषय को लेकर हो, या फिर विधायक निधि की जो आखिरी किस्त है उसको जारी करने को लेकर हो, तो ये कुछ इस तरह के जो विषय है जिसको लेकर सदन में पहले ही विपक्ष हंगामा कर चुका है। 2 बार वॉकआउट हुआ है, 1 बार विरोध करते हुए वो सदन से बाहर आ चुके हैं। लेकिन जिस दिन बजट पेश किया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से, तो काफी शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष ने सुना बजट सत्र के दौरान की क्या क्या घोषणाएं यहाँ पर की जा रही है बजट में। लेकिन विरोध उस दिन भी विपक्ष ने जताया था, काली पट्टी बहन कर जितने भी विपक्ष के विधायक है, नेता प्रतिपक्ष है, वो वहां पर पहुंचे हुए थे। तो आज जब बजट पर चर्चा होगी तो उसमें जरूर विपक्ष ये सवाल पूछेगा कि पुरानी पिछली जो सरकार रही है उनके समय में कुछ ऐसी विकासात्मक योजनाएं हैं जिसका बजट के समय में बजट में जिक्र नहीं किया गया है, उन योजनाओं के लिए बजट कितना रखा गया है, इस तरह की कोई भी जो जानकारी है स्पष्ट तौर पर नहीं दी गई है बजट के दौरान। चर्चा जब शुरू होगी तो वो जरूर इस बारे में वहां पर सवाल पूछेंगे प्रदेश सरकार से, और हो सकता है कि आज भी पूरे आसार है कि जो विपक्ष है वो हिमाचल बजट पर आज से चर्चा होने जा रही है। आज से 23 मार्च तक बजट पर चर्चा होगी। शुक्रिया ऋषभ तमाम जानकारी के लिए। तो बता दे, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया था हिमाचल का, जिस पर आज से चर्चा होगी। हिमाचल बजट पर आज से चर्चा शुरू होगी। बता दें, दोपहर 2 बजे से ये विधानसभा की कार्यवाही जो है वो प्रश्नकाल से शुरू होने जा रही है, जिसके बाद अवकाश के बाद आज 2 बजे से विधानसभा की बजट पर चर्चा शुरू की जाएगी। डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जर्नलिज्म ऑफ होप।